हेलो एवरीवन, आई एम रितिका। वेलकम टू द पीआर शो लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन की कुछ सिंपल एंड यूजफुल टिप्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर वन, जब भी आप आटा गूंदें, आटा गूंदने के बाद उस पर थोड़ा सा देसी घी या फिर ऑयल लगाएं और उसे अच्छे से मिक्स करें। इससे आपका आटा सॉफ्ट रहेगा और सूखेगा नहीं। रोटी बनाते समय सूखे आटे में आप थोड़ी सी अजवाइन को मिला लें और उसे मिक्स कर लें। आटे की लोई लेकर उसे आप सूखे आटे में अच्छे से लपेट लें। इससे आपकी रोटी टेस्टी बनेगी और अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। दही जमाने से पहले उस बर्तन में आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसे अच्छे से हिला लें और फिर वापस से निकाल लें और इस बर्तन में आप दूध को डालें और जमाने के लिए थोड़ा सा दही। इससे आपकी दही गाढ़ी होगी और खट्टी नहीं होगी। आटे के बर्तन में आटा डालने से पहले उसमें आप 3-4 तेज पत्ता डाल दीजिए और फिर उस पर आप आटा डालिए। इससे आटे में कीड़ा नहीं लगेगा और नमी भी नहीं होगी। दालों को धूप लगवाने के बाद और स्टोर करने से पहले दालों पर सरसों का तेल अच्छे से लगा लीजिए। सरसों के तेल को अपने हाथ पर लीजिए और उसे अच्छे से रब कर लें इस तरह से। अब आप दालों को अपने हाथों में लें और इसे अच्छे से रब करें इस तरह से। जब पूरी दालों पर सरसों का तेल लग जाएगा तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इस पे कीड़ा नहीं लगेगा। इस तरह से अगर आप चाहें तो दाल के कंटेनर में तेज पत्ता और लाल मिर्च को भी डालकर रख सकते हैं, इससे भी कीड़ा नहीं लगता। मेथी की सब्जी बनाने से पहले मेथी को साफ करके आप एक बड़े बाउल में पानी लें और उसमें आप आधा चम्मच नमक डालें और आधा चम्मच हल्दी। अब इसमें आप मेथी को डाल दीजिए। इससे मेथी की कड़वाहट दूर हो जाएगी। इसे आप आधा घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें और फिर आप इसे निकाल लीजिए। लहसुन को छीलने से पहले उसे 10 मिनट के लिए आप पानी में भिगोकर रख दीजिए, जिससे उसका छिलका आसानी से निकल जाएगा।